अब तक के सबसे विवादित बाबा गुरमीत राम रहीम के बारे लगभग हर रोज कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं। गुरमीत के ड्राइवर और गवाह खट्टा सिंह ने राम रहीम की सारी पॉल खोल कर रख दी है। खट्टा सिंह ने राम रहीम की फिल्मों को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। गवाह की माने तो राम रहीम अपनी फिल्मों के जरिए करोड़ों की काली कमाई को वाइट बनाता था। जब बाबा की कोई फिल्म रिलीज होती थी तो थिएटर मालिकों से सारे टिकट खुद ही खरीद लिया करता था। इससे वो दिखाता था कि उसकी फिल्म की जबरदस्त कमाई हो रही है। बाबा ये टिकटें अपनी काली कमाई से खरीदता था। बाबा सिर्फ अपनी काली कमाई को वाइट करने के लिए ये फिल्में बनाता था, जबकि उसे फिल्म बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इतना ही नहीं, इसमें प्रोड्यूसर्स भी उनका साथ देते थे। वो बाबा की फिल्म की कमाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। बता दें कि राम रहीम की पहली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने सिर्फ 16.89 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कमाई को 130 करोड़ रुपए बताया। वहीं प्रोड्यूसर्स ने मैसेंजर ऑफ गॉड 2 की कमाई को 450 करोड़ रुपए बताया था, जबकि फिल्म ने सिर्फ 17 करोड़ रुपए कमाए थे। बाबा के काले धन को वाहट करने का पूरा जिम्मा हनीप्रीत का होता था।